वनियावाला में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत जिला ऋषिकेश के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की विशाल बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष रविंद्र राणा की अध्यक्षता और जिला महामंत्री राजेंद्र तड़ियाल, मंडल महामंत्री रविंद्र बीलवाल के संचालन में किया गया। बैठक का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, विशेष अतिथि सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक ब्रजभूषण गैरोला, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, जिला सह प्रभारी नलीन भट्ट, जिला अध्यक्ष रविंद्र राणा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य अतिथि रेखा वर्मा ने बूथ सशक्तिकरण अभियान के विषय में विस्तृत रूप कार्यकर्ता गणों से साझा की जानकारी, सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। नवभारत समाचार डोईवाला उत्तराखंड से आति वर्मा की रिपोर्ट। हर विधानसभा के बूथ सशक्तिकरण का ये अभियान चल रहा है। आज डोईवाला विधानसभा की ये बैठक है जिसमें जितने भी बूथ हैं उन बूथों के जो पर जो सशक्तिकरण होना है उसके बारे में मंडलों के सभी पदाधिकारी, शक्ति केंद्रों के जो हमारे संयोजक होंगे, जिले के जो पदाधिकारी हैं, बड़ी बैठक है और उस बैठक में बूथों का कैसे सशक्तिकरण होगा। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी इस पार्टी का गांव-गांव तक अपना नेटवर्क है। हर बूथ पे भी पन्ना, और पन्ना पर भी पन्ना प्रमुख ही नहीं बल्कि पन्ने पर भी एक कमेटी। तो यदि इतना बड़ा नेटवर्क इतने नीचे स्तर तक यदि किसी दल का है पूरी दुनिया में तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। ये हमारी डोईवाला विधानसभा है, ये हमारी बहुत अच्छी विधानसभा है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी आपको बहुत हजारों हजारों की मार्जिन से लीड देती रही है। यहाँ के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब यहाँ पर हैं और प्रदेश मंत्री जी कोठारी जी इस बैठक में हैं। हमारे प्रदेश की से प्रभारी रेखा वर्मा बिल्कुल इस बैठक में हैं और सभी यहाँ के विधायक ब्रजभूषण जी मैं स्वयं उपस्थित हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जिलाध्यक्ष इस पूरी व्यवस्था में व्यस्त है। तो पूरा जिस तरीके का नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी का है, हम केवल बोलते नहीं हैं, केवल हम चुनाव के समय पे लोगों को वोट नहीं मांगते बल्कि लोगों के लिए काम करते हैं और अनवरत करते हैं उन योजनाओं को। बूथ सशक्तिकरण का मतलब ये है कि केवल वोटों का ही नहीं बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में अंतिम छोर के व्यक्ति को जो लाभ मिलना है, जो सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं बनाई है उसका लाभ व्यवस्थित मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है और कहां कोई कठिनाई है और कैसे उसका निस्तारण होना, ये बहुत ही स्तर तक इसका भी नेटवर्क हमारा है। तो मैं समझता हूँ कि उधर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश पूरी दुनिया में शिखर पर पहुंच रहा है और इधर हमारे जो मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री उसका सिंह धामी के नेतृत्व में इस प्रदेश में भी विकास की बयार बह रही है। तो ये अद्भुत संगम है। हमारा कार्यकर्ता का जो अभियान चल रहा है उसके तहत इस विधानसभा में हम लोगों ने बैठक रखी है, बूथ हमारा कैसे और मजबूत हो उस पर चर्चा आज हम लोग करेंगे। देखिए, हमारी सरकार हर विषयों पे बहुत चिंतित रहती है और हमेशा इस पे जो समस्याएं आती है उस पे चर्चा होती है, इसका भी समाधान करें।